मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस आज सुबह से ही बाइक चालकों पर कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान कई बाइक चालकों पर कार्रवाई भी हुई, मगर एक बाइक चालक का अमृत नगर में सुबह 11 बजे पुलिस वालों ने चाबी ले लिया, मगर ये व्यक्ति चाबी लेने मुंब्रा पुलिस स्टेशन नहीं गया और शाम 5 बजे तक बाइक बीच सड़क पर खड़ा करके रखा रहा। इसी दौरान उसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद रही और फेसबुक लाइव करके पुलिस की कार्रवाई की जानकारी दे रहा था कि पुलिस उसके साथ किस तरह से ज्यादती कर रही है। दोपहर से लेकर शाम तक युवक बीच सड़क पर बाइक खड़ा करके नाटक करता रहा। युवक का दिमागी संतुलन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। युवक का कहना है कि उसकी पत्नी दवा लेने जा रही थी, उसके पीछे मैं बाइक से जा रहा था, मैंने कुछ गलती भी नहीं किया तो पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ लिया। ये युवक अपने आप को आजमगढ़ का रहने वाला बता रहा है, अपना नाम मुस्तकीम बता रहा है। मुंब्रा के अमृत नगर में वो अपना नाम बदलकर सलीम रहकर रह रहा है। इस युवक का कहना है कि जिस पुलिस वाले ने चाबी ली है, खुद वो पुलिस वाला लाकर उसे चाबी दे, मैं नहीं जाऊंगा पुलिस स्टेशन चाबी लेने। इस युवक की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये युवक का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मगर शाम 5 से 6 बजे के बीच मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात मौके पर पहुंचे और इस युवक को पकड़कर वो अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आए, मगर इस दौरान कन्हैया थोरात और इस युवक की पत्नी ने क्या कहा है सुनिए। ये भाई साहब अभी देखो, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है, बराबर है, ये सुबह से यहाँ नाटक कर रहे हैं कि इनका चाबी लेके गए, ये विदाउट परमिशन, इसको कुछ लेन देन नहीं है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि बीवी के पीछे पीछे जा रहा था दवाई लेने के लिए, बराबर है, और अभी इन्होंने मास्क भी लगा नहीं है, इनका मास्क नहीं है, मास्क तो हेलमेट लगाए हुए थे, मास्क नहीं है, रखे हुए मास्क कुछ नहीं, जेब में रखा हुआ इन्होंने ध्यान में रखा था। आप लाइव क्यों चला रहे थे आपका अभी, और ये लोगों को भड़का रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखा नहीं रहे हम, ये भड़का रहे हैं लोगों को, जमा कर रहे हैं, किसी को नहीं भड़का रहे, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, इनके साथ में पुलिस स्टेशन लेके जाके इंसाफ करने वाला हूँ मैं इनको। ये जो गैर कानूनी यहाँ पर खड़े हैं, जो लाइव लोगों को भड़का रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? नाम क्या? नाम बोल दे। हाँ, मेरा मुस्तकीम नाम है। हाँ, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, ठीक है, मैं इधर मुंबई में नाम चेंज करके रहता हूँ। आज से पूरी डिटेल मेरी सुन लो कि कहानी पूरी क्या। हाँ, बताओ कहानी। ये सरकार मेरे पीछे पड़ गई है मुझे मारने के लिए, क्यों? और मेरी सच्चाई को मिटाने के लिए ये सरकार मेरे पीछे पड़ गई है। क्या हुआ, क्या नाम तुम्हारा, क्यों मारने के लिए? क्यों मार रही है सरकार तुमको? मरना वो सब बता रहे ना, हकीकत बता रहे, बताइए नाम, नाम क्यों बदली? लाइव एकदम बिंदास बताएंगे क्यों नाम बदली किया था। हाँ, मैं यहाँ शरीफ खान के नाम से रहता हूँ, ठीक है, मेरा आजमगढ़ घर है। अच्छा। हाँ भाई, खामोश रहो, एक मिनट बताने दो, फैसला हो जाएगा हमेशा के लिए। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, फैसला हो जाएगा हमेशा के लिए, टेंशन दूर हो जाएगा ये सब। हम आजमगढ़ के रहने वाले, ठीक है, मुस्तकीम नाम है, मैं बेसहारा इंसान था, ठीक है, और सरकार मेरे पीछे पड़ गई है मुझे मारने के लिए, और मारने का कारण क्या है, ये तस्वीर है। कौन सी तस्वीर है? ये दिखाओ, कैमरे पे दिखाओ, ये तस्वीर है मेरे पीछे पड़ गई है, तस्वीर के पीछे, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। नहीं नहीं नहीं, सब वीडियो बना लो पूरी तरह से, पूरा बना लो और सब फैलाओ। चलो रे, लाइव कैमरा देखो मुझे मारने की है, देख बैठ रहे, आ जाओ साहब, मेरे बच्चे को तो क्यों खोल रहा है, चल बैठ, अरे तू बैठ ना पहले भाई, देख लो भाई मारने के लिए लेके जा रहे हैं मुझे। कहाँ गए थे आप लोग, क्या दवा लेने गए थे या किसी और काम लेने गए थे? मेरा बच्चा छोटा है, भाई सिंह का घर पर है, उसकी दवा लेने गए थे।
तो ये भी पीछे से गए। तो हम लोग जब घर पर आए फोन किए तो बोले मेरी चाबी पुलिस वाले लेके चले गए हैं। अच्छा कितने बजे ये पुलिस वाले चाबी? 11 बजे। 11 बजे? 11 बजे। तो तब से लेकर अब तक वो गाड़ी रोड पर ऐसे ही खड़ी थी। तो मेरे को 2 बजे फोन किए तो मैं फिर भाग के आई तो बोली तो बोले अभी पुलिस वाले आएंगे चाबी देंगे। तब से कोई नहीं है। पुलिस स्टेशन जाकर चाबी लेना चाहिए, चाबी लेकर फिर घर जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन नहीं गए, उनका तो कहना था कि पुलिस चाबी लेकर गई है यहाँ से, तो यहीं पर चाबी आकर पुलिस ले। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।